सो हाय गाइस मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एम पी Lover में दोस्तों दोस्तों हम आज आप लोगों के साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग से रिलेटिव रहेगा जी हाँ दोस्तों सॉफ्ट फूड की बात कर रहे हैं सॉफ्ट फूड कैसे देना है कैसे प्रोवाइड करना है क्या उसमें मिला कर देना है सारी बातें बताने वाला हूँ वीडियो में बने रहिए और उससे पहले जो दोस्त भाई हमारे चैनल में नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक तरफी हमने रोटी ली हुई है जो हमने उसको महीन पीस ली है और एक तरफी बॉयल राइस लिया है और इसमें हम ये फॉर्मूला देखिए विटामिन और कैल्सियम का मिक्स फॉर्मूला है ऑस्टोवेट का इसमें हमने बिमराल मिलाया है जो इसके साथ आता है और इसको हम बॉयल राइस पे अप्लाई करेंगे देख सकते हैं आप लोग अपने अनुसार लेना है जितना भी आप लोगों के बर्ड हों के अनुसार आपको डालना है देख सकते हैं मैं इनके ऊपर आराम से डाल रहा हूँ और जितना मुझे चाहिए उतना ही डाल रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं बॉयल राइस में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आप लोगों को भी करना है दोस्तों तो अपने बर्ड की ब्रीडिंग के लिए अच्छे से अच्छी आप लोगों को प्रोग्रेस मिलेगी केच के लिए मिला लिया है अब दूसरे केच के बट के लिए भी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे बर्ड अच्छे से अच्छे चारों तरफ हमारा हमारे फार्मूला मिल जाए अच्छे से मिल जाए दोस्तों पानी में भी हम देते हैं लेकिन पानी में ये फार्मूला नीचे बैठ जाता भारी होने के कारण चलिए दोस्तों अब हम अपने बर्स को अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला जो हम ले चलते हैं बजीसी कॉलोनी में ये हम बजीसी कॉलोनी में रख देते हैं इनको देख सकते हैं दोस्तों हमने अच्छे से रख दिया है और अभी हमारे सारे बजिश उतर के आ जाएंगे नीचे ये देखिए हमारे सारे बजीज ऊपर बैठे होंगे हर कलर के बजीज़ हैं देख रहे हैं सॉफ्ट फूड को उन्होंने सभी ने देख लिया है अब वो धीरे धीरे अपने सॉफ्ट फूड की -दी तरफ बढ़ते रहेंगे सो दोस्तों आप आपको भी ये सॉफ्ट फूड अप्लाई करवाना है ताकि आपके बजीज़ अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग कर सकें और अच्छे से अच्छे ठीक से निकाल सकें आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है और बस यही करना है दोस्तों तो ज़्यादा और कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है नहीं तो आपके बजीज़ को लूज़ मोशन शुरू हो जाएंगे कई वीडियो में बताते हैं कि ये यूज़ करवाओ वो यूज़ करवाओ ज़्यादा मेडिसिन से देने से हमारे बट्स बीमार पड़ जाते हैं और ब्रीड नहीं कर पाते और लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं फिर हमारे बर्ड का बचना मुश्किल रहता है फिर उसकी ट्रीटमेंट करो सब चीज़ करो उसके लिए भी दोस्तों दूसरी दवाइयाँ तो उस कारण हमारे बर्ड की ब्रीडिंग पूरी ख़राब हो जाती है जो बच्चे निकलते वो भी सही नहीं निकलते अभी हमारे दूसरे बड ये है। हैं देखिए हम इनको अप्लाई कर देते हैं मुर्गा मुर्गी हैं इनको भी हम देते हैं इनके फैदर देखिए काफ़ी झड़ गए थे अब ये तो अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला इनके भी आने लगे हैं हमारे पास बारह मुर्गा मुर्गी हैं जो मैंने इनको ठीक से हैच करवाया था इनक्यूवीटर से तो दोस्तों हमारे पास ये बर्ड भी हैं इनकी भी मैं अपडेट देता जाऊंगा अभी इन्होंने अंडे देना स्टार्ट नहीं किए हैं जैसे ही वे अंडे देते हैं मैं सबसे पहले इनका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और ये इनके बारे में इनकी ब्रीडिंग के बारे में भी बताऊंगा कि इनको कैसे पालते हैं कैसे ब्रीडिंग करवाते हैं इनकी कैसे अंडे बच्चे करते हैं इनके लेकिन इनके ठंडे में अंडे बहुत काम में आते हैं खाने के लिए तो इसलिए इस ज़्यादातर लोग अंडे के लिए इसको पालते हैंगे बच्चे निकलवाते नहीं हैं सो so गाइज आपको वीडियो कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों